हेलो स्टूडेंट्स, मित्रों, कैसे हो सब लोग? मज़े में होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, चलो आज है ना हम ऑब्जेक्ट करने जा रहे हैं, मगर स्टैंडर्ड 9 पार्ट 10। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, पदार्थ चित्र जिसको बोलते हैं, पदार्थ चित्र, मैन मेड ऑब्जेक्ट, मानव सर्जित पदार्थ चित्र। अभी इसको किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे आपके सामने जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बराबर है, तो ये जो ड्राइंग है ना आपको कहाँ पर काम लगता है, जब भी आर्किटेक्ट इंटीरियर फैशन डिजाइनिंग में जाना हो तभी ऐसे ड्राइंग आपको करवाएंगे वो लोग। तो कभी भी कोचिंग क्लास में जाना हो तो ऐसे भी आपको ड्राइंग करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना आपको आर्किटेक्ट में काम लगती है। तो स्टैंडर्ड 9 पार्ट 10 के लिए मैं आज ऑब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है। आपके सामने जो चीज़ें रखते हैं वैसे ही मैंने जो बताई वैसे ही ड्रॉ करनी है। तो जो चीज़ें, तो पहला जो एक क्यूब है, ऐसे क्यूब को ड्रॉ करना है, उसका मेजरमेंट लेते जाओ ऐसे ऐसे, उसके ऊपर एक कांच की बर्नी भी है, को भी ऑब्जेक्ट हो, बाणी हो, कांच की बाणी हो, जो भी है, ऐसे पहले ड्रॉ करना है जो आपके सामने जो चीजें रखी है। कुछ भी रखते हैं वो लोग, बाउल भी रखते हैं, ग्लास भी रखते हैं, जो भी रखते हैं उसको ड्रॉ करना है आपको पहले। पेंसिल को इस तरह से घुमाने की है, यहाँ पीछे का दूसरा एक पार्ट है उसके आगे, तो वो कट जाता है, बराबर है, तो आधा दिखता है, तो आधा ड्रॉ करना है, पूरा ड्रॉ नहीं करना है। जिस तरह से जो एंगल से आपको जो दिखता है ना वो ही ड्रॉ करना है, जितना भी दिखे उतना ही ड्रॉ करना है। दूसरा पार्ट यहाँ पर पूरा दिखता है, बराबर है, तो पूरा पार्ट को ऐसे पॉट है, ड्रॉ कर दिया। फिर नीचे का बेस ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कर सकते हैं। रखा है कोई, लगता है कोई नीचे बेज रखा हुआ है तो ड्रॉ करो, वो एग्जाम में बोलेंगे नीचे का बेज ड्रॉ करना है तो ऐसे करो, बराबर। ये ड्राइंग हो गया, अब शेडिंग की बात है, तो पेंसिल 6B पेंसिल से ड्राइंग भी कर सकते हैं और शेडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है 6 को, शेडिंग को किस तरह से शेडिंग करना है, बराबर है। यहाँ से इस तरफ से हाईलाइट गिरती है तो हाईलाइट पार्ट को ड्रॉ कर दो पहले, तो हाईलाइट तो पता चले अपने को कि ये पार्ट हो गया लाइट। फिर धीरे 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 उसको ऐसे रेंडरिंग करो, यहाँ थोड़ा लाइट होना चाहिए, यहाँ थोड़ा लाइट होना चाहिए, ऐसे फिर यहाँ पर थोड़ा डार्क एक लेयर कर दिया, ऐसे शेडिंग आप अपने तरीके से भी शेडिंग कर सकते हो, नॉट नेसेसरी आप ऐसे पेंसिल घुमा के भी कर सकते हो, ऐसे क्रॉस एचिंग करके भी आप कर सकते हो, आपके मन में जो आए वैसे कर सकते हो आप। ये हो गया, अब इसका शेडो यहाँ पर गिरता है, तो ये बॉटल का जो बाणी का पार्ट है ना उसका शेडो बनाया। यहाँ कुछ नहीं करना, ये पार्ट छोड़ देने का है, फिर ये पार्ट लाइट छोड़ देने का है, बराबर है, मगर इसका शेडो यहाँ पर गिरता है, पहले इसके ऊपर शेडो बना दो, ऐसे फिर ये पार्ट को लाइट छोड़ दो, मगर इसका शेडो यहां पर गिरता है बॉटल का, वो भी दिखाना है अपने को।
इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मैनमेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट, MMO, उसका शॉर्ट फॉर्म है MMO। तो आपको इसी तरह शेडिंग करना है। ये हाईलाइट पार्ट है, तो ये हाईलाइट पार्ट को ड्रॉ कर दो, तो हाईलाइट पार्ट को छोड़ देने का है बस अपने को। फिर धीरे धीरे डार्क पार्ट को ऐसे ही करना है। वैसे पहले से डार्क नहीं करने का, पीछे वाला पार्ट है उसको डार्क करो, क्योंकि अलग पड़ेगा, ये दोनों चीजें अलग पड़नी होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का शेडो यहां पर गिराना नीचे का पोर्शन में ऐसे। अब कोई भी ड्राइंग करो ऐसे ऐसे कर दिया ऑब्जेक्ट ड्राइंग। हो गया। अभी इसके ऊपर आपको सॉफ्ट काम करना है, मतलब पेपर स्टम से भी कर सकते हैं या ईयरबोर्ड से कर सकते हैं। आपके पास ऐसे पेपर स्टम हो तो आप भी सॉफ्ट करके डार्क भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग लगता है बाद में देखो। लाइट एंड शेड का ख्याल रखना है अपने को। ऑब्जेक्ट पे जिस तरह से आपको ऑब्जेक्ट करना है, तो आपको ऐसे लाइट एंड शेड हल्के हाथ से, पेपर सम है, पेपर का बना हुआ है चीज़ है, बाजार में मिलती है, आप भी लाके ऐसे काम कर सकते हो। या वरना आपके पास नहीं है तो आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो, कान जो साफ करते हैं ना हम, ईयर साफ करते हैं कान, हाँ, तो उससे भी कर सकते हो। और या कॉटन से भी कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो आप, कपड़े से भी कर सकते हो, क्लोथ से भी कर सकते हो आप ऐसे शेडिंग। तो आपको ध्यान से ये काम करना है ऐसे। ये हो गया। फिर आपको लगे ऐसा थोड़ा हल्का सा स्ट्रोक्स लगाना है पेंसिल से, तो आप पेंसिल से ऐसे स्ट्रोक्स लगा सकते हो ऐसे, तो अच्छा लगता है। थोड़ा हल्का, ज्यादा नहीं। तो इसको बोलते हैं मैनमेड ऑब्जेक्ट, मानव सर्जित पदार्थ चित्र, उसको ऐसे पेंसिल शेडिंग में काम करना है, बरोबर है। तो आप लोग ऐसे करके ट्राई करो, जैसे आप फ्री पड़े हो, जरूरी नहीं है स्कूल का ये सिलेबस तो है, मगर आप जब भी प्री पढ़ो तो ऐसे सामने आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो रखो और ड्रा करो। मैंने बोलता कोई ऐसा ही करो, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मैं बोलता हूँ ना, जैसे बाल्टी ले लो, या नहाने का टबलर भी ले लो, झाड़ू ले लो, कुछ भी ले लो, या कोई भी आपके घर में जितने भी बर्तन हैं ना, वो बर्तन का यूज़ करो, बरोबर है। तो आपको ऐसे ही इसी तरह ड्रॉ करना है, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मानव सर्जित पदार्थ चित्र, मैनमेड ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम नेक्स्ट वीक में कुछ अलग सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।